गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ देख के समझ गए होंगे कि मॉर्निंग सच में मॉर्निंग हो रही है। मॉर्निंग अच्छी हो रही है यहाँ पे भी। और अफसोस, बस अफसोस तो नहीं है लेकिन हाँ, थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि ये हमारी लास्ट मॉर्निंग है इस घर में। कल इस टाइम तक हम लोग यहाँ से ऑलमोस्ट जा चुके होंगे। सुबह के 9:15 हो रहा है, 9:15, और कल हम मॉर्निंग में सुबह 4:30 हमें यहाँ से सामान खाली करना होगा। मतलब कि वो इसलिए क्योंकि ये मार्केट एरिया जहाँ मैं रहती हूँ और यहाँ पे स्कूल बस चलती है। मम्मी मैं आ गया, इट्स लाइक वार्म वेलकम चाहता है डुगू अपने लिए। हाँ, पट्टू का पिंजरा ये ना, पट्टू उड़ गया। मैं जो तोता लेके आई थी उसका नाम हमने दो दिन रखा था हमने उसका नाम, उसको अपने घर में उसका नाम था पट्टू, और वो उसको हमने उड़ा दिया, यहीं इसी बालकनी से उड़ाया था। ये 1.5-2 हफ्ते पहले की बात है, जिस दिन हम पंजाब गए हैं उसके 2 दिन पहले की बात है। मैंने उस टाइम व्लॉग कंटिन्यू डाले नहीं थे इसलिए आपको दिखाया नहीं था, लेकिन उसकी क्लिप मैंने बना के रखी हुई है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली मैं वो वेल ट्रेंड तोता था और उसको किसी ने ना पकड़ लिया होगा, शिकारी वगैरह होते ना, पकड़ लिया होगा, पकड़ के उसको उन्होंने सेल कर दिया होगा, उन्होंने हमें सेल कर दिया उसको, ठीक है ना। लेकिन वो मतलब उड़ने वाला तोता था और इतना सुंदर तोता, वो बिल्कुल बगावत कर रहा था हमारे साथ। मतलब इट्स लाइक हमने उसको इसमें रखा, हम उसे रोज़ अमरूद दिन में 3-3 बार, मिर्ची जो भी तोते खाते हैं सब कुछ देता था, टमाटर मिर्ची अमरूद रोटी खाता था वो यार। तो लेकिन वो जितनी देर खा रहा था उतनी देर ही शांत रहता था, उसके बाद वो बिल्कुल इस प्लान में रहता था कि कैसे इसको तोड़ दे, कैसे तोड़ के बाहर निकल जाए। तो बगावत, मतलब ये मॉर्निंग हमारी लास्ट मॉर्निंग है, कल इस टाइम हम लोग कहीं और होंगे। चला लिया, किसी और घर को अपना आशियाना बना रहे होंगे। इस घर को दुख इस बात का नहीं है कि हम जा रहे हैं यहाँ से, दुख हमें मुझे जो हो रहा है वो इस बात का हो रहा है कि हम दोबारा कभी इस घर में वापस आ नहीं पाएंगे। इस रूम में अभी जितने हक से मैं खड़ी हूँ अब नहीं हो पाऊँगी ना कभी, इस बात का दुख है। ये वॉल हमने अपने हिसाब से किया है, नहीं रहेगा नहीं रहेगा, हमारे यहाँ से जाते ही पूरे घर में पेंट करवाया जाएगा। सबसे पहले तो पूरा लुक चेंज होगा यहाँ का, अभी हमारा घर है आज रात तक, कल से नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। जी 9:30 से ज़्यादा हो गया है और मैं बिज़ी हो गई थी तो मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं। मैं आज ब्रेकफास्ट में खाऊंगी मूसली एंड विद कर्ड। तो मैं वैसे जो नॉर्मल मूसली यूज़ करती हूँ, ब्रेगर्स की यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मैंने रिलायंस से ये मिल रहा था मुझे, इस पर ऑफ़र चल रहा था बाय वन गेट वन, और ये सिंपल प्लेन मूसली है। मूसली जो भी खाओ प्लेन खाओ, उसमें अगर आपको चाहिए तो अलग से आप उसमें बादाम ऐड कर लो 2-3-4 काट के, लेकिन नट्स वाली मूसली मत लीजिए। एक्चुअली सिर्फ फ्लेवर ऐड करने के चक्कर में वो कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं जो अगेन आपकी बॉडी में कैलोरीज बहुत ज़्यादा लाती है। तो इसलिए मैंने ये वाली ली प्लेन मूसली है, सिर्फ 50% ओट्स है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, ठीक है। तो मैं मूसली ले लेती हूँ और फटाफट से कर्ड के साथ मिक्स करते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं अपना। इसके अंदर ये इस तरह के पैकेट्स में होता है और इसको आप अगर काउंटेबल वे में लेना चाहते हैं तो 5 चम्मच ले सकते हैं, एक कटोरी हो जाता है 5 चम्मच, और अगर आपको अंदाज़ा है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो जस्ट लाइक इतना ओट्स, सॉरी इतना मूसली लेना है मुझे, इतनी मूसली लेनी है मुझको, और इसके साथ मैं लूँगी अभी 4-5 चम्मच कर्ड, दोनों को करूँगी मिक्स, और उसके बाद ये है मेरा हेल्दी एंड आपके पेट को फुलफिल करने वाला एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट। जस्ट लुक एट मी गाइस, मुझे बड़ा मज़ा आता है आजकल अपने आप को ऐसे दिखाने में, लाइक मज़ा आता है। 1, 2, 3, and 4. That's all.
और बाय द वे मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं जिसमें मिक्स कर रही हूँ 350 ml का बाउल है अप्रॉक्स, और हमें जो खानी है कटोरी के हिसाब से तो वो 150 ml। जब हम कटोरी की बात करते हैं तो छोटी कटोरी होती है, जब हम बाउल की बात करते हैं तो बड़ा बाउल होता है। तो ये पहले मुझे नई कन्फ्यूज़न होती थी, लेकिन अब मुझे क्लियर है। तो ये मैंने देखो मिक्स कर लिया अच्छे से, और मिक्स करके इसको बस अब मैं 2 मिनट रखूँगी, और इसका एक क्रंची क्रंची सा और खट्टा खट्टा सा स्वाद आएगा जो कि अच्छा लगता है अगर आप खाने लग जाओ तो। ये देखो हो गया ना, अच्छे से मिक्स हो गया। ये मेरा ब्रेकफास्ट है आज का। चलो आवाज़ सुनी, कितना क्रंची लगता है खाने में। पता है आज मैं जब मॉर्निंग में उठी, मेरे पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, और क्योंकि मैंने कल सारे कपड़े पैक कर दिए थे अलमीरा के जो हम डेली यूज़ करते हैं, सारे कपड़े पैक्ड हैं। तो मैं ढूंढने लगी कपड़े, मैंने कहा अरे तो कोई कुछ कपड़ा ही नहीं बचा पहनने के लिए मेरे लिए। फिर ये दिवाकर की एक टी शर्ट बाहर निकली हुई थी जो कि कल उन्होंने वॉश मतलब करवाई थी मेरे से, तो मैंने वॉश करके डाली थी ना, तो ये बाहर पड़ी हुई थी, इसको मैंने पहन लिया, और इस सलवार के साथ ये ब्लू कलर की सलवार के साथ। तो इत्तेफाक से ये सलवार पे रिस्पेक्ट करने वाली हूँ, बिकॉज ये सलवार नीचे से इसका जो वो नहीं होता पोंछा बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो फट गया, रिजेक्ट करने वाली थी, तो इसके लिए ये सलवार बाहर पड़ी हुई थी, ये टी शर्ट मिल गई, तो मैंने ये सलवार और टी शर्ट पहना। एक कपड़ा नहीं छोड़ा मैंने, एक कपड़ा लेके कि मैं जिसे पहन लूँ और मतलब आज का दिन काट लें। कल तो खैर, और कल अरे कल क्या पहन के जाऊँगी उसके लिए भी मुझे टेप खोलनी पड़ेगी, इसका मतलब भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं। बाय द वे डुगू को सुला दिया है, और अब बीना जी आने वाली होंगी। हाँ, और ये हर जगह है, अगर आप खा के जा रहे हो ना तो आपको सब लोग कहेंगे हाँ खा लो, मतलब आपकी बात ही कर रही हो, सबकी अपनी बात ही कर रही हो, कि अगर आप कुछ खा के जा रहे हो देन सब कहेंगे ये कर लो, मतलब चाय पी लो, नाश्ता कर लो, खाना खा लो, और अगर आप कुछ खा के जा रहे हो ना अपने घर से तो उस दिन कोई नहीं पूछता। माना जैसे आप क्या कह रहे थे कि एक घर का काम कम हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इतना दिन के थे ना, सिर्फ मेरे उतना दिन हो गए। आपको आप हमें याद नहीं करोगे, मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं करेंगे, कल आप बताया था एक घर के, आपकी जैसे एक भाभी है कंचन, कंचन बोल के नाम है। लंच बनाने जा रही हूँ मैं, काम मेरे घर का सारा फिनिश हो गया है तो लंच बना लेते हैं। तो लंच में पता है क्या बनाने जा रही हूँ मैं आज, पनीर की भुर्जी बना रही हूँ। वैसे पनीर और मतलब प्रोटीन आइटम ही खाने हैं तो पनीर ज़्यादा सही है। तो पनीर में आज लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाली हूँ, जैसे कि एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शिमला मिर्च ऐड करूँगी मैं पनीर भुर्जी में, टमाटर, और इसके अलावा हमारा अनियन ऐड करूँगी। और पनीर मेरे पास नहीं था, और मुझे नीचे जाने के लिए मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, जैसे कि मैंने बताया था आपको मॉर्निंग में कि कपड़े नहीं है। तो मैंने दूध रखा हुआ था लगभग 2.5 से 3 किलो घर में, तो दूध भी इतना क्या करते हैं, तो मैंने क्या किया कि दूध को फाड़ दिया, जी हाँ दूध को फाड़ दिया, 1.5 किलो दूध फाड़ दिया मैंने, मतलब 1.5 किलो से थोड़ा सा कम, तो 0.5 किलो पनीर के अप्रॉक्स मेरा पनीर निकल गया है। तो इसकी मैं पनीर भुर्जी बना लूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मेरा नीचे जाने का मूड नहीं होता या मन नहीं होता या मैं जा नहीं सकती हूँ, तो मैं दूध अगर घर में अवेलेबल है तो उसे फाड़ के पनीर बना लेती हूँ, तुरंत इंस्टेंट बन जाता है।
मसाला मेरा पक गया है यहाँ पे, उसमें मैंने ऐड किया था मसाले में हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, सिर्फ तीन चीज। लेकिन एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है तो दूसरे हाथ से डालते हुए रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी मैं। तो ये मसाला मेरा पक गया है, बस इसमें ऐड करना है ये होम मेड पनीर हमारा, जो बिल्कुल घर में बना है और बिल्कुल बाहर का पनीर जैसे होता है ना मार्केट का, बिल्कुल वैसा बना है। टेस्ट में भी वैसा ही होगा और देखने में भी वैसा ही है। देखिए इसको मिक्स करेंगे एंड पनीर भुर्जी दो मिनट हम और पका लेंगे ढक के इससे, और पनीर भुर्जी इज रेडी। फाइनली मेरा लंच बनके बन रहा है, मतलब ऑलमोस्ट तैयार है बिल्कुल। और मैं सोची हूँ मैं नहा लूँ, लेकिन नहाने के बाद मुझे फिर से यही कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो इसके लिए मैं सोची हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और थोड़े से बर्तन तो धोने के लिए, तो मैंने सोचा वो धो लेती हूँ जब तक मेरा खाना बन रहा है, मेरा काम जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा, ताकि जब मुझे दोबारा से भी पैकिंग करनी है जो बैठ के अंदर की, वो ईज़िली हो जाएगी, टाइम की कमी ना हो। इसके लिए बर्तन वॉश कर लेते हैं। लंच वगैरह खैर अभी मैं बस थोड़ी देर में करने जा रही हूँ, और 3 बज रहा है, 3 बजने में 5 मिनट बाकी है अभी। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं मतलब अपने घर को, आप लोगों ने कहा बहुत अच्छे से सजाना, तो यार मैं फ्रेंकली बताऊँ मेरा कोई बजट तो बहुत बड़ा नहीं है अपने घर को ऐसे डेकोरेट करने का। मतलब इसके लिए मैं चाहती हूँ, डेकोरेट करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा बजट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो क्योंकि आप जानते हो अगर आप किसी अच्छे से डिज़ाइनर को हायर करोगे तो बहुत पैसे लगेंगे, और जाके नया नया सारा सामान लोगे तब भी बहुत पैसे लगेंगे। लेकिन मैं इन द बजट कोशिश कर रही हूँ पूरी कि मैं अपने घर को एक थीम के साथ डेकोरेट करूँ। उसके लिए मैंने थीम भी अपनी डिसाइड कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी थीम सोच रही हूँ। ये कलर देख रहे हैं आप, आई होप नहीं ऐसे देखो, नहीं ऐसे ही देखो, ऐसे देखो, हाँ ये कलर देख रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं टील, टील कलर बोलते हैं इसको। और ये जो कलर है ये ग्रीन और ब्लू को दोनों को मिक्स करके बनता है ये वाला कलर, इसे हम टील कलर बोलते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, मेरी जो पिलो है ना, पिलो के ऊपर ये जो डार्क कलर देख रहे हैं आप, इसी को लाइट कर दोगे, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा लाइट करोगे तो वो इस तरीके का बन जाएगा टील कलर। तो टील कलर जो होता है वो ब्लू एंड ग्रीन को मिक्स करके बनता है, और आजकल बहुत ट्रेंड में है ये कलर। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने यहाँ या तो फिर येलो, येलो एंड टील का कॉम्बिनेशन रखूँगी, और या तो फिर मैं वाइट एंड टील कलर का कॉम्बिनेशन रखूँगी। ये दोनों ही एक दूसरे, ये जो कलर बताए ना, तीनों कलर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं। बट अगेन अगर मैं येलो एंड वाइट रखूँगी तो फिर ये दोनों ही लाइट कलर्स हो जाएंगे, बैलेंस नहीं हो पाएंगे। तो आई डिसाइडेड कि मैं टील कलर एंड वाइट कलर, या फिर टील कलर, टील विद येलो, ऐसा कुछ करूँगी मैं। और थीम तो मेरे दिमाग में बिल्कुल बस चुकी है कि मैं इस तरीके से डेकोरेट करूँगी, लेकिन बहुत कम पैसे में और कम बजट में। इससे आपको भी आइडिया आएगा कि आप कम पैसे में और कम बजट में अपने घर को दिवाली के लिए या फेस्टिवल्स जो आ रहे हैं उनके लिए किस तरीके से रेनोवेट करवा सकते हो बहुत कम पैसों में और पुराने सामान के साथ। तो ये मैं अपने दिमाग में बिल्कुल लेके बैठी हुई हूँ क्या करना है मुझे। सो इसके लिए मैं बहुत बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल लाइक ऐसे क्लियर है सब कुछ मेरे दिमाग में ये क्या करना है मुझे। सो अगर आपके पास भी कोई सजेशन होंगे ना तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपके पास क्या सजेशन है मेरे लिए। और मैं देखती हूँ वहाँ पे भी मैंने क्लियरली, मुझे इतना याद है वाइट कलर का तो पेंट हो रखा है वहाँ पे, लेकिन एक एक दीवार शायद वहाँ हाईलाइट करवाई गई है, और हाईलाइट किस उससे करवाई गई है वो पेंट मुझे पता नहीं है, तो देखना पड़ेगा वो वहाँ पे जाके पता चलेगा। लेकिन हाँ मैं करूँगी कुछ ऐसे ही, आप भी मुझे बताना कि ये जो मैंने सोचा है वो आपको कैसा लगा है, ये वाला कलर सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये चीज़ आप मुझे बताना। और अगर अच्छा लग रहा है आपको भी ये मेरा जो मैं सोच रही हूँ दिमाग में, तो वो भी मुझे बताना, मैं देखती हूँ मैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, मतलब सॉरी क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकती हूँ और क्या ठीक ठीक कर रही हूँ।
ओके सो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। डुगू जो है सो रहा है, वो पिछले 3-4 घंटे से सो रहा है क्योंकि सुबह 5 बजे उठ गया था। दिवाकर आज मॉर्निंग में 6:30 बजे ऑफिस चले गए हैं इसलिए, क्योंकि इवनिंग में वो 4 बजे वापस भी आ जाएंगे, 1 घंटे बाद दिवाकर वापस आने वाले हैं। तो अपनी नींद कंप्लीट कर रहा है और मैं जाऊंगी अपना खाना खाऊंगी, उसके बाद नहाने का सोच रही हूँ क्योंकि नहाने के बाद मैं घर के जो फटे पुराने कपड़े होंगे बचे हुए हैं वो पहनूंगी। ओके सो मिस यू गाइज, लव यू गाइज, प्यार बांटते रहो, प्यार करते रहो, करते रहो, लाइक कर दीजिएगा मेरे ब्लॉग को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को नहीं किया है तो। आने वाले ब्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, डेकोरेशन से रिलेटेड, कम पैसे में अच्छा मेकओवर कैसे दें अपने घर को, ये सब मैं आप शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, सी यू टुमारो, बाय।